नहीं ले लूंगी। चलो यार सही है। बाकी ना साइबर हब यार बहुत बढ़िया जगह है, जब मर्जी यहाँ पर आ जाओ, दिल नहीं करता वापस जाने का। आज देख मैं तेरे जूस के अंदर ना कड़वा वाला करेला डलवाऊंगा, देख अभी मैं बोलता हूँ भैया। आपके पापा आपके छिल्ला हुआ मेरे को ज्यादा स्वाद लगता है, जो छिल्ला हुआ मिलता है वो नहीं, उसका मजा नहीं आता। पापा ठीक क्या दे मेरे पापा गले तोड़ना कह रहे हैं, ले लो तेरे लिए भी ये थैंक यू। मैं जब भी ना टॉयलेट जाता हूँ, पोटी वोटी करने जाता हूँ ना, तू मेरे को आवाजें क्यों मारती रहती है? मैं पानी वानी बूस्टर ले। क्या मतलब पानी तू देने आएगी मेरे को? नगर में पोटी कर रहा हूँ। मैं पूछ रही थी कि लेके आते सर तो घुस जाते हो। तो मतलब क्या मतलब मैं पोटी करने गया हूँ, पहले पोटी तो कर लूँ उसके बाद तेरा पानी यूज करूंगा ना। मतलब उसके बाद पानी पीऊंगा, पहले मेरे को तंग करना शुरू कर देती है ये। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अंदर बैठ के पॉटी कर रहा हूँ, ये बाहर से बोल रही थी पानी पानी, मेरे को लगता है कि ये पानी मतलब मेरी दोधी करने के लिए आएगी। प्यारी समझ गई। ऐसे कौन करता है यार, बंदा अंदर से बैठ के तो यही सोचेगा ना कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए पानी की जरूरत है, फिर बाहर से आवाज़ें मार रही है पानी पानी पानी। Seriously, what the fuck are you doing? This is very funny, okay? So all in all, देखो आज वाला व्लॉग ना हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मजाक मस्ती चलती रहती है और इसको जस्ट सीरियस मत लेना, ये मजाक मस्ती ही है। बाकी देखो आज वाला व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। यार ऐसे मत करा करो, जब मैं टॉयलेट जाता हूँ ना मेरी फीलिंग्स की तरफ खेला मत कर। हाँ तभी आप क्या बोलना बंद कर देते हो टॉयलेट से। भाई मैं जैसी बाहर आता हूँ ना शुरू हो जाती है, आवाज क्यों नहीं देता अंदर से, आवाज क्यों नहीं देता अंदर से, होता क्यों नहीं अंदर से है, ऐसे कौन करता है? हाँ ऐसे कौन करते हो तुम, मतलब अंदर बंदा बैठ के कर भी नहीं सकता ढंग से। बंदा ना बोलना हाँ ठीक है मैं पानी पीऊंगा, बंदा ले आता। अब मुझे क्या पता कौन सा पानी तू पूछ रही है पीने के लिए, मैं क्यों पीऊँ? बताओ यार कैसी बातें करती है यार। मैंने क्या बात करी बताइए जरा। अंदर बैठ के अब तू पानी पानी कर रही है, मैं कौन सा जवाब दूँ अब तेरे को? नो कमेंट, नो कमेंट। देख वहाँ पे ना पनीर टिक्का मिल रहा है, पनीर टिक्का खाएं? कोई बात नहीं चुन्नी पहनी रख। मैं क्या बोल रहा हूँ पनीर टिक्का खाएं? पनीर टिक्का मना कर देगी देखना, जब भी मैं बोलूंगा ना पनीर टिक्का खाते हैं मना कर देती है, और अपनी बारी मेरे को बोलती रहती है गोलगप्पे खिला दे गोलगप्पे खिला दे। ठीक है पनीर टिक्का खा ले, गोलगप्पे खाती है बट मेरे को भाई साहब पनीर टिक्का नहीं खाने देती है लड़की, मैं सही बता रहा हूँ। खा लो खा लो, चल कोई नहीं अब तो जूस पी ले गाजर का ना, वो देख भैया ने देख के मैं शुरू कर दिया जूस बनाना। आज देख मैं तेरे जूस के अंदर ना कड़वा वाला करेला डलवाऊंगा, देख अभी मैं बोलता हूँ भैया करेला डाल दो कड़वे वाला इसके जूस में, ठीक है इसके वाले गिलास में, मेरे वाले गिलास में मत डालना, इसके वाले गिलास में डाल दो, ये बहुत तंग करती है मेरे को। डाल दो भैया डाल दो करेले डाल दो, खूब सारे डाल दो करेले, आज बेटे करेले डालने तेरे जूस में, ये सारे डाल दो सारे, हाँ ये तीन तीन करेले डाल दो, डालो डालो डालो, आज बेटा तू गई तेरे को करेले वाला जूस पिलाऊंगा आज मैं, रोज गाजर गाजर करती है ना आज तू करेले वाला जूस पिए, देख करेले डाल दिए भैया ने। उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा। आज इसको ना मैं करेले वाला जूस पिलाऊंगा, ये ले पी करेले वाला जूस पी तू आज, ये पी पी पी, हाँ ये तेरा मेरा वहां बन रहा है वो देख, पी 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 कोड़ा था बहुत। बड़ी मुश्किल से पी है मैंने। चल कोई बात नहीं, करेला अच्छा होता है भाई, करेला अच्छा होता है, कड़वा हो गया, कुछ मीठा पिघला दो। ओ तेरा फला हो गया काम मेरा भाई, गलती हो गई भैया, मीठा जूस पिला दे इसको, मैंगो शेक पी ले, मैंगो शेक पी ले भाई, हो गया कुंडा, हो गया, हो गया कुंडा, सीधा पार्टी लाल पे हाथ रखेगी अभी बड़ी वाली ब्रिक पे। यहाँ पे रात के 11:30 बज चुके हैं और भाई साहब यहाँ पे ये ना ट्रैफिक 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 इतना ज्यादा गंदा वाला ना कि भैया हिल ही नहीं रहे, देख रहे हो मतलब नॉर्मली ऐसे ही खड़े हुए हैं बस हम इस ट्रैफिक के अंदर, कोई आगे रेडलाइट वेडलाइट नहीं है, एक फ्लाईओवर बन रहा है यार यहाँ पे, उसके चक्कर से फुल ट्रैफिक है, घर से कुछ सोच के निकले थे बट सारे प्लान खराब होते जा रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, कुछ खाने पीने जा रहा था यार मैं एक्चुअली में ना, अब 11:30 हो रहे हैं तो जहाँ जाने का प्लान था ना वहाँ तक लगता है पहुँच नहीं पाएंगे, सब तेरी वजह से है वैसे पता तेरे को, हाँ तेरी गलती है बस, मान जा मान जा, बोल मेरी गलती है, हाँ जी अच्छा बोल दे मेरी गलती नहीं है तेरी गलती है,
सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से देर हो गई, तेरी वजह से ट्रैफिक है, तेरी गलती है, बोल दे यस। ये ले ये देखे सामने जो ट्रक जा रहा है, ट्रक किस चीज का है, उसका छोलिए का ले लूं, छिलेगी छिलेगी आपके पापा ले गए तो ले लूं, तेरे लिए ले दूं, बोल बैठ के छिलकी रही हो, टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। फिर क्या हुआ दस्सा? हाँ भैया छोलिया जी, ये थोड़ा सा यार, दो किलो वो देख भैया तोड़ के दे रहे हैं, वही पकड़ियो 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 पकड़ियो, ठीक है ये थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, छोलिया मिल गया भाई साहब, आज तो संभाल के रख, घर जाके ना मैंने सब्जी खाऊंगा इसकी, मैं छोलिया और आलू मिला के मिक्स करके ना सब्जी खाएंगे इसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजा आएगा। छोलिया छिलियो यार, खिलाइयो एक दाना तो खिला दे यार, छिल छिलना भी नहीं आता, बताओ यार इतनी बड़ी होगी छोलिया नहीं छिलना आता तेरे को, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी तेरे से लगता है, हाँ तो एक ही निकलता है, स्वाद होता है, दे मैं खाऊं, कितना फ्रेश है यार, सीरियसली मजा आ गया, और मांग ले यार भैया से थोड़ा सा, मैं नहीं सही तो है, छोलिया खा के देख बहुत टेस्टी है, नहीं खा के देख, सच्ची कह रहा हूँ बहुत टेस्टी लगता है, इतनी मेहनत करके, और तू खा तो सही, एक तो खा के देख, खा बहुत टेस्टी है, यम यम बिल्कुल फ्रेश है ना, मजा आ गया, घर जाके भैया सब्जी बनाऊंगा मैं इससे, सब्जी बनती है कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी खा लेंगे, ज्यादा नहीं सी खाएंगे, ठीक है भाई लोगों, जहाँ पर हम लोगों को जाना था ना, उस जगह के बिल्कुल पास से होके ना वापस आ गए हैं, मतलब कि जहाँ पर हमने पहुंचना था ना, सिर्फ वो 200-300 मीटर दूर थी वो जगह, बट रस्ते के अंदर उस वाले चौक पे इतना गंदा वाला ट्रैफिक जाम था कि मेरे को ना रास्ता बदलना पड़ गया, और अब ना काफी लंबा घूम के जाना पड़ेगा, मतलब कम से कम 20-25 मिनट का लंबा चक्कर पड़ गया, जो रोड है ना जिस साइड पे मैं जा रहा था ना यार, वो पूरी की पूरी रोड है इस टाइम पे ना ब्लॉक पड़ी हुई है, पंजाबी बाग वाला है वो एरिया था, तो भाई मतलब हालत खराब हो गई, खराब हो नहीं गई है, अब हो जाएगी और ज्यादा वाली, ये तो यहाँ पर बैठे बैठे थक गई है चलो कोई नहीं, बाकी ना डकार मारी जा रही है करेले वाले चलो कोई नहीं, शादी से पहले ना मैं कहता होता था कि भैया मैं ना किसी की सुनता नहीं हूँ, मेरा जो मन करता ना मैं वही करता हूँ, बट शादी के बाद ना मैं यही कहता हूँ भाई मैं तेरी तो सुनता हूँ और किसी की सुनता हूँ, ये 24 घंटे मेरे को बोलती रहती है तू सुनता नहीं है, तू सुनता नहीं है, फिर मैं इसको यही बोल रहा था भाई मैं तेरी तो सुन रहा हूँ और किसकी सुन रहा हूँ, क्योंकि भैया सुननी पड़ती है, क्या करें, नहीं तो शादी से पहले वाला जो टाइम था ना यार वो बहुत बढ़िया वाला टाइम था, अब हम किसी की नहीं सुनते थे ये जो हम अभी की वीडियो बना रहे हैं ना इसमें हमारे कपड़े चेंज है, कपड़े इस करके चेंज है क्योंकि भैया ये नेक्स्ट डे है, बट कल भी हमने रात को ना ब्लॉग अपना यहीं पर ही रोका था, कल वाले ब्लॉग को आज रात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि भैया कल रात को तो ना ट्रैफिक में ना फंस गए थे, जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए, हार के घर चले गए, तो कुछ ब्लॉग बनाने का ना मन करा नहीं उस टाइम पे, बट मैंने सोचा कि चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी का सीन अपना ये है कि हल्के फुल्के जाके ना पत्ते पुत्ते चाट आते हैं, तो वो वाला सीन है हमारा, और है ना जी, तो इसके चक्कर से ना हम ना आज अभी गुड़गांव वाली साइड पे जा रहे हैं, शायद साइबर अब जाएंगे या फिर कोई और जगह जाएंगे ना, तो देख लेते हैं, वो तो जो भी मतलब मन करेगा ना वहाँ जाएंगे, बट ना मैं एक चीज ये बता रहा था कि हम वहाँ पे जा इस करके रहे हैं, जो मेन पर्पज है ना, मेन पर्पज मेरा ये है कि मेरे को ना वहाँ जाके ना एक दो रील्स बना के आनी है, जो रील्स मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पर डालूंगा और आप हमें फॉलो कर सकते हो वो वाली रील्स देखने के लिए, बाकी ना यार यहाँ पे ना ट्रैफिक काफी तेज है, हम ना वीडियो वहाँ पर पहुँच के बनाते हैं, ठीक है जी, साइबर अब वाली जगह पर ना जब मर्जी आ जाओ भाई, यहाँ पे ना हर वक्त रौनकें रहती है, राइट राइट, अभी हम लोग ना आ जाए हुए वेडनेसडे का दिन है, वेडनेसडे ईव है, बेसिकली फुल ऑन वाला ना यहाँ पे रश है, फुल ऑन वाला मतलब क्राउड भी भाई साहब बहुत ही मस्त मस्त आया हुआ है, हाँ जी क्राउड बहुत बढ़िया आया हुआ है वैसे थोड़ा सा फ्रेश सो आता है ना, सही बात है, यहाँ के तो यार वैसे ना मतलब बहुत बढ़िया लगता है, ओ
भाई साहब आते ही बाइट मार ली, अभी जस्ट बर्गर में रख कर आया हूँ। अभी तो कह रही थी कि मैंने बर्गर खाना नहीं है, मैंने ये खाना है और मेरा बर्गर खाना शुरू हो गई। तुम बताओ यार ये कैसी की है, कैसी की टेस्ट कर रही थी। टेस्ट में ना मतलब पूरा बर्गर खा जाएगी, बाद में इतनी सी ना बाइट छोड़ देगी मेरे लिए कि खा ले तू। ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही करती है। वैसे मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती है, ये ऐसा ही करती है भाई। सच्ची बात बताओ ना तो बर्गर लवर है एक्चुअली मैं, ये भी और मैं भी। तो बर्गर देख के ना कंट्रोल होता नहीं है बंदे का, ना मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है जब उसको ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। हम लोगों ने ना ये वैंगो करके है ब्रांड साइबर हब में, यहाँ से साउथ इंडियन खाया भाई, बिल्कुल बकवास, मज़ा नहीं आया। सांभर भी बेकार, डोसा भी बेकार, मतलब अब खाना है, खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट यार बनाया ठीक नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है। ये देखियो यार, ये दलजीत है क्या, ये दलजीत दोसांझ है, दलजीत दोसांझ को क्या कर दिया। दलजीत दोसांझ जी है, देख इधर से देख, जो हाफ वाला है ना वहाँ पे प्रॉपर दलजीत दोसांझ है, उधर उसका अवतार है व्हाट्सएप पे बना हुआ है। ओहो दलजीत दोसांझ को क्या कर दिया। अगर ये गलती से चुन्नी लेके बैठी होती है ना तो जैसे कैमरा ऑन होता है ना चुन्नी को उतार देती है। चुन्नी लेती क्यों है, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी से ना बाबा जी को याद कर लेती है कभी कभी ना गलती से, तो गलती से वैसे तो अभी घूम फिर कर आ रही है, खा पी के आ रही है, यहाँ पर आके बैठ गई। मैंने जैसे कैमरा ऑन किया ना इसने फटाफट चुन्नी ऐसे करके उतार दी है कि मैंने तू वीडियो बना ले बाद में मैं चुन्नी ले लूंगी। चलो यार सही है। बाकी ना साइबर हब यार बहुत बढ़िया जगह है, जब मर्जी यहाँ पर आ जाओ, दिल नहीं करता वापस जाने का पर टाइम हो रहा ना यार, अब जाना है, जाएंगे तो इस वीडियो को जाके फटाफट एडिट करेंगे और कल सुबह इसको ना अपलोड कर देंगे टाइम से, नहीं तो भैया काम खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है चलते हैं फटाफट से, और ऊपर से ना मेरे डॉग्स वगैरह भी ना थोड़े भूखे होंगे तो चल के ना उनको भी खाना वगैरह डाल देते हैं। बट मजा बहुत आया भाई यहाँ पर ना, यहाँ पे क्राउड बड़ा सेक्सी होता है वैसे। हाँ सही बात है, क्राउड बहुत सेक्सी है यहाँ पे, वो देख मैंने। चलो सही है, चल यार चलिए हम चलते हैं, फिर आएंगे जल्दी जल्दी से। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है।